प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं एस कुमार इंडियन इकोनॉमी की क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इंडियन इकोनॉमी की यह पहली क्लास है और यहां से हम अर्थव्यवस्था को एक एक करके धीरे धीरे करके चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए इस श्रृंखला को शुरू करते हैं, देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है और किस तरह से यह परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका यह निभाती है। इसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्चुअल चीजों को समझेंगे, उसके बाद हम फैक्चुअल चीजों को समझेंगे, कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, देखेंगे क्या क्या है और बहुत आराम आराम से इसको हमें पढ़ना है। ये जिन भी बच्चों का अगर कोई बेस नहीं रहा है तो उनके लिए भी बड़ा वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि बहुत एक एक चीज को बहुत आराम से बात किया जाएगा, बड़े अच्छे समझाया जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, कॉपी पेन ले लीजिए, एक एक चीज को नोट करिए। आइए बच्चों, इस क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं। यह मनोज आईएएस प्लेटफॉर्म है, यहां पर हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। आइए बच्चों, देखते हैं कि क्या है अर्थव्यवस्था। सबसे पहले हम करते हैं अर्थव्यवस्था से परिचय। अब एक बात आप समझिए, अर्थव्यवस्था कोई नया टर्म नहीं है। जीवन की हर जरूरत के लिए, हर जरूरत के लिए पैसे की आवश्यकता है। कुछ भी करना हो, अर्थ चाहिए। आइए अर्थव्यवस्था में देखते हैं कि किस तरह से हर व्यक्ति की जरूरत पूरा करता है, किस तरह से यह देश की जरूरत पूरा करता है, किस तरह से यह विश्व की जरूरत पूरा करता है, किस तरह से यह विकास को आगे लेके चलता है, किस तरह से जीडीपी आगे बढ़ती है, किस तरह से जीडीपी नीचे गिरती है। सबसे पहले हम अर्थव्यवस्था के विभिन्न आयामों पर बात करेंगे और एक एक करके हम इन आयामों पर बात करेंगे। अर्थव्यवस्था का परिचय, सबसे पहली लाइन मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, मानव की सभी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन, समस्त आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन, यानी जहां जहां पैसे का लेन देन है, समझिएगा हर तरह की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन, अगर कहीं भी पैसे लेने देने की बात हो रही है तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि यह अर्थव्यवस्था को इंगित करता है, सीधी सी बात। और विश्लेषण करना अर्थशास्त्र कहलाता है, यही इसकी सामान्य सी परिभाषा। अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों की जीविका प्रदान करती है। आइए हम देखते हैं कि आखिर में अगर जीविका प्रदान करती है तो हम सबसे पहले इस बात को समझेंगे कि अर्थव्यवस्था जो है सब लोगों के जीवन का आधार है। अर्थव्यवस्था सभी आर्थिक गतिविधियों का, आप यहां पर देख सकते हैं कि वह व्यवस्था है जिसमें सारी आर्थिक गतिविधियों का हम लोग यहां पर अध्ययन करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप देखिए, अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था में यहां पर आपको एक टर्म मिलता है, एक टर्म है आर्थिक समृद्धि और एक टर्म है आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि क्या है, आर्थिक विकास क्या है, ये हिंदी टर्म है। अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूंगा तो आप जल्दी समझ जाओगे। आर्थिक समृद्धि को बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और आर्थिक विकास को बोलते हैं इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। तो इसका मतलब एक ग्रोथ को बताता है, एक डेवलपमेंट को बताता है। जैसे मैं आपको बताऊं, आप सोचिए एक व्यक्ति ने कोई भी चीज उत्पादन किया, ठीक है, एक निश्चित उत्पादन कर रहा है, कोई भी चीज का प्रोडक्शन ले लीजिए। अगर किसान है तो खेती का उत्पादन कर रहा है, मान लीजिए कोई कोई मशीनरी चीज, हम मान लीजिए मार्कर है या समझिए माइक है, कैमरा है, कोई भी चीज जो उत्पादित हो रही है। तो आप एक बात समझिए कि अगर हम इसकी संख्यात्मक वैल्यू को बढ़ाते हैं, समझिएगा, तो इसको हम आर्थिक समृद्धि कहते हैं, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये इकोनॉमिक क्या है, ग्रोथ है। लेकिन अगर हम आर्थिक विकास की बात करते हैं तो आर्थिक विकास में दोनों चीज चाहिए। एक तो भाई ठीक है, उसकी मात्रात्मक चीजें जो बढ़ रही हैं वो तो ठीक है, लेकिन इसके साथ एक चीज का और ध्यान रखना है कि उसके क्वालिटी में डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी जो क्वालिटी अब मिल रही है क्या वह क्वालिटी पहले से बेहतर है कि नहीं बेहतर है। तो ये आप समझना, यानी यहां पर जो विकास शब्द आप समझिए, तो विकास शब्द का मतलब होता है कि दो चीजें हैं, ग्रोथ भी है और उसमें क्वालिटी भी, उसकी पहले से क्या हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। तो आज हम आपको यहीं पर बता रहे हैं, अगर अर्थव्यवस्था को हमें समझना है तो अर्थव्यवस्था को समझने के लिए दो आयाम हैं, समझिएगा। अर्थव्यवस्था को समझने के लिए दो तरह से अर्थव्यवस्था को समझाया जा सकता है कि भाई कैसे पता चलेगा कि कहां की अर्थव्यवस्था अच्छी है, कहां की अर्थव्यवस्था खराब है, किन किन आयामों पर अर्थव्यवस्था को मापा जाएगा, ये सारी चीजें आपको समझना है। तो पहला जो पॉइंट है कि विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर अवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के दो प्रकार होते हैं, समझिएगा इस बात को। अर्थव्यवस्था के दो प्रकार है, एक है विकसित अर्थव्यवस्था जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था है, और एक है विकासशील अर्थव्यवस्था, इस बात को समझिएगा, विकासशील अर्थव्यवस्था जैसे बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, भारत को भी ले लीजिए, विकासशील अर्थव्यवस्था। तो
इस तरह से हम देखेंगे कि वह कंट्री जिन्होंने अर्थव्यवस्था के उन आयामों को तय कर लिया है जो आयाम पर प्राप्त करना चाहिए, और वह देश जो अभी उस दौड़ में है अभी उस आयाम को तय नहीं कर पाए हैं। तो इस तरह से अध्ययन करने में आपको बड़ा सुविधा होगा, आपको समझ जाएंगे जब हम कहेंगे कि इस देश की विकसित अर्थव्यवस्था है या विकासशील अर्थव्यवस्था है, तो आपको यहां पर समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, तुरंत आप पकड़ लेंगे। तो विकास कि विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर, विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर कि कहां पर व्यवस्था अच्छे से विकसित हुई है कहां पर नहीं हुई है, उसके आधार पर हम दो तरह की अर्थव्यवस्थाओं पे बात करते हैं। पहली अर्थव्यवस्था है विकसित अर्थव्यवस्था और दूसरी अर्थव्यवस्था है विकासशील अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था की प्रमुख प्रक्रिया, सबसे पहले आप इस बात को समझिए, आखिर में जो अर्थव्यवस्था है वह किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरती है, समझिए। तो हमें इसमें तीन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। पहला जो चीज है वह पहला जो चीज आप देखिए, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन। सबसे जो पहली बात है वह है उत्पादन के बारे में, पहला जो है वह उत्पादन है। दूसरा जो आप देख सकते हैं उपभोग, क्या है उपभोग, कंजम्पशन जिसको कहते हैं। और तीसरा जो है उसको बोलते हैं पूंजी निर्माण, समझ में आ रहा है। तो इसमें कुल तीन प्रक्रियाएं होती हैं, दे आर थ्री, यहां पर थ्री प्रोसेस है। तीन प्रोसेस से हम तीन प्रमुख प्रक्रियाएं हैं जो कि अर्थव्यवस्था की प्रमुख तीन प्रक्रियाएं हैं। आप इसको देख सकते हैं कि पहली कौन सी चीज है, पहला उत्पादन, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन खूब हाई करो भाई, अगर अर्थव्यवस्था बढ़िया करनी है तो उत्पादित होना चाहिए चीजें। दूसरा उपभोग, कंजम्पशन, कंजम्पशन का आपका लेवल कैसा है, आप किस तरह से चीजों को कंजम्प कर रहे हैं, समझिएगा। हम कंजम्पशन से भी पता चल जाएगा, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति जो है कार खरीद के ले आता है, एक व्यक्ति साइकिल खरीद के लेके आ सकता है, तो उसके जो है हम देख सकते हैं क्रय शक्ति के आधार पर कि हाँ कौन सा व्यक्ति आर्थिक समृद्ध होगा कौन सा नहीं होगा। एक व्यक्ति सामान्य तरह से रोटी और दाल खा रहा है, एक व्यक्ति रोटी भी खा रहा है, चावल भी खा रहा है, दाल भी खा रहा है, सब्जी भी खा रहा है, दूध भी खा रहा है, फल भी खा रहा है, उसके कंजम्पशन के आधार पर भी हम अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद तीसरी चीज है पूंजी निर्माण। तो ये तीन पॉइंट है अर्थव्यवस्था की, तीन मुख्य प्रक्रियाएं हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब आइए आगे चलते हैं, अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्याएं इसको आप समझिए, इसकी सेंट्रल समस्याएं क्या हैं, आखिर में अर्थव्यवस्था की सेंट्रल समस्याएं क्या हैं, क्या मुख्य समस्या है इसको हम देखते हैं। देखिए इसमें पहली पॉइंट है क्या और किस मात्रा में उत्पादन किया, जो हमने कहा पहले ही बताया था किसके तीन आयाम है उत्पादन। अब उत्पादन की समस्या है कि क्या उत्पादित किया जाए और कैसे उत्पादित किया जाए। ऐसा तो नहीं है अभी पता चल गया कि हाँ उत्पादन खूब होना चाहिए अगर आपको जो है विकसित अर्थव्यवस्था में, तो क्या उत्पादित करें और कैसे उत्पादित करें, ये पहला पॉइंट है। क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में उत्पादित किया जाए, और दूसरी चीज कैसे उत्पादन किया जाए, तीसरी चीज किसके लिए उत्पादन किया जाए, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये तीन जो पॉइंट आप पहले देखें, ये तीन पॉइंट प्रोडक्शन से संबंधित है। पहला पॉइंट कह रहा है क्या, दूसरा कह रहा है कैसे, और तीसरा कह रहा है किसको, इस बात को समझिएगा। जैसे मान लीजिए अगर कोरोना ना होता, आज आप देखिए मास्क है, मास्क का उत्पादन बहुत तेजी से मार्केट में बढ़ा, मास्क के उत्पादन की जरूरत क्या थी, अब कितने मास्क की जरूरत थी और कैसे इसको हम उत्पादित करें और किसके लिए उत्पादित करें, समझिएगा इस चीज को। तो आखिर में इस बात को समझना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था यही कहती है कि पहली जो इसकी सेंट्रल समस्या है, भाई हम कोई भी चीज उत्पादन क्यों करें, क्या करें और कितना कितनी मात्रा में करें, इस बात को समझिएगा। आज डिमांड थी, कोरोना पूरे विश्व में फैला है तो आप प्रोडक्शन करते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। कैसे उत्पादित करें, अब बनाए कैसे इस चीज को, तीसरा किसके लिए उत्पादित करें, तो ये तीन पॉइंट आपने देखा। चौथा पॉइंट देखिए, संसाधनों का कुशलतम प्रयोग कैसे करें, किसी भी संसाधन का कुशलतम प्रयोग, बेहतर प्रयोग कैसे किया जाए, हमें इस बात को समझना पड़ेगा, संसाधनों का कुशलतम प्रयोग कैसे किया जाए। पांचवा पॉइंट, उत्पादन और वितरण को कैसे कुशल बनाएं, इस बात को समझिएगा, उत्पादन को और वितरण को, प्रोडक्शन को और क्या चीज, वितरण को, प्रोडक्शन और वितरण, इस बात को समझिएगा, उत्पादन और वितरण को कैसे कुशल बनाया जाए, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। आखिर में हम प्रोडक्शन खूब कर रहे हैं, वह प्रोडक्शन भी हमारा खूब हो और उसका वितरण डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसे अच्छा हो, इसके बाद आर्थिक विकास की दर को हम कैसे बढ़ाएं। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिससे हम जो है ये देख सकते हैं कि इसकी सेंट्रल समस्याएं क्या है, नहीं तो
कोई भी देश, कोई भी कंट्री कुछ भी उत्पादित कर दे, नहीं। तो हम ये देखना पड़ेगा कि आखिर में इसकी सेंट्रल समस्या क्या है, हमें इस बात पर रिसर्च करना पड़ेगा। तो वो मेन समस्या है, इसकी जो मेन पॉइंट है, इनको आप समझिए, क्या और किस मात्रा में उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, साधनों का कुशलतम प्रयोग कैसे करें, उत्पादन और वितरण को कैसे कुशल बनाया जाए, आर्थिक विकास दर को कैसे बढ़ाया जाए। तो इन पॉइंटों को आप समझें, इन पॉइंटों से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ, अब विकास, अगर हमें आर्थिक अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है, और ये पॉइंट अगर आपके समझ में आ गया तो आप निश्चित रूप से विकास कर जाएंगे। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण आइए देखते हैं। तीन तरह से अर्थव्यवस्था समाज में उपलब्ध है, ठीक। अगर हम समाज के आधार पर देखें, सोसाइटी के आधार पर देखें, तो समाज में तीन तरह की अर्थव्यवस्थाएं क्या है, मौजूद है। पहली अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरी अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस बात को ध्यान रखिएगा, समाज में कुल तीन तरह की अर्थव्यवस्थाएं उत्पन्न होती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। पहला जो होता है वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, दूसरी जो होती है वह समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, और तीसरी जो होती है उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, मतलब उसमें पूंजीवादी भी होगी और समाजवादी भी बात होगी। तो इस तरह से समाज में कुल तीन तरह की अर्थव्यवस्थाएं उपलब्ध रहती हैं। आइए बच्चों थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपने थोड़ी सी अभी बेसिक बात समझी है, अर्थव्यवस्था को समझने का आपने प्रयास किया ही है, आपने देखा है कि किस तरह से प्रोडक्शन, किस तरह से जो है उसका कंजम्पशन, और किस तरह से अन्य चीजों का जो है आपने देखा है कि किस तरह से अर्थव्यवस्था को समझने के लिए किन किन पॉइंटों पर हम बात कर सकते थे। अब आइए हम चलते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स पर, हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था पर, ठीक। भारत की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए भारत की आजादी, ठीक, आजादी के बाद 1991 के बाद 1956 के बाद, ये सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा एक एक करके। आइए इस बात को समझते हैं, अर्थव्यवस्था की संरचना सबसे पहले हम इसको उठाते हैं 1991 से। आप देखिए, विश्व मंदी का दौर, पूरा विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था। 1991 के बाद क्या ऐसा सुधार किया गया, उस समय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आप जानते होंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उसी के बाद आप इस सुधार को देख सकते हैं। आइए समझते हैं, 1991 के सुधार के बाद भारत में बहुत तेज आर्थिक प्रगति हुई, इस बात को समझिए। यानी ऐसा तो कुछ हुआ जिससे हमारी जो है गाड़ी पटरी पर आ गई, विकास की प्रक्रिया में हम जुड़ गए। कब? 1991 के बाद, 1991 के बाद सुधार के बाद भारत में बहुत तेजी से आर्थिक प्रगति हुई। आइए देखते हैं, जब से उदारीकरण और आर्थिक सुधार, ठीक है, जिसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, ठीक है, हमने उदारीकरण की नीति अपनाई। कैसी नीति अपनाई? उदारीकरण की नीति अपनाई, उदारीकरण और आर्थिक सुधार की नीति लागू की गई, समझिएगा। हमने इन नीतियों को अपने देश में लागू किया, तब से भारत विश्व की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर के आया। मैं बताऊं, भारत विश्व की तीसरी महाशक्ति है, चाइना, अमेरिका और भारत। अगर हम आर्थिक आधार पर देखें तो हमने अपने इकोनॉमिक्स को, अपने अर्थ को बढ़ाया है, इस बात को समझना चाहिए। अब हम आपको बताएं, तब से भारत विश्व की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर कर आया है। आजादी से पहले, आजादी के पहले समय कुल मिलाकर आर्थिक अस्तगन या ह्रास का काल रहा, समझिएगा। आजादी के पहले अर्थव्यवस्था टूटी है, दोहन हुआ है, इस बात को समझिएगा। देश विकास के पथ पर नहीं था, देश अवनति के पथ पर था। वही बात, आजादी के पहले के इसका समय कुल मिलाकर आर्थिक अस्थगन या ह्रास का काल रहा है, जब उत्पादन की मात्रा प्रतिवर्ष 20 की और प्रति व्यक्ति में मात्र 0.5% या इससे भी कम वृद्धि हुई, इस बात को समझिएगा। प्रोडक्शन तो हुआ, प्रोडक्शन मान लीजिए 20% का है, तो जो है 0.5% जो है प्रति व्यक्ति के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ रहा है, जो कि आप देख सकते हैं कि बहुत कम है। मतलब मेहनत तो किया जा रहा है, प्रोडक्शन तो है, लेकिन उसका लाभ यहाँ के प्रति व्यक्ति को नहीं के बराबर है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत कल्याणकारी राष्ट्र रहा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तमाम तरह की पंचवर्षीय योजनाएं आई, तमाम तरह के विकास परिषद बने, तमाम तरह से नीतियां आई, तमाम तरह के आयोग आए, तमाम तरह की बातों हमने यहाँ पर विकास की बात की। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही भारत कल्याणकारी राष्ट्र रहा, और सरकार के सभी प्रयासों का प्राथमिक लक्ष्य देश के लोगों का कल्याण रहा है। आप मेरी बात समझ पाते हैं। 1952 में योजना आयोग के तहत
1952 में योजना आयोग के तहत, इस बात को ध्यान रखिएगा, 1952 के तहत सामुदायिक परियोजनाएं प्रशासन, ठीक है, नामक एक संगठन की स्थापना की गई जिसे सामुदायिक विकास संबंधी कार्यक्रमों के संचालन का दायित्व सौंपा गया। यह बात है 1952 की, आजादी के कुछ वर्षों के बाद ही हमने बनाया सामुदायिक परियोजनाएं प्रशासन नामक, ठीक है, एक संस्था डेवलप किया जिसमें हम जनहित की बात करते हैं, जहां पर हम लोगों के विकास की बात करते हैं। तो इसका मतलब हमने आजादी के बाद ही इस चीज पर काम करना शुरू कर दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, आइए पहले इस बात को समझते हैं। देखिए भारत कैसा है, भारत एक विकास की तरफ बढ़ने वाला राष्ट्र है, विकास की तरफ बढ़ रहा है और तेजी से बढ़ रहा है, इस बात को हमें समझना चाहिए। ठीक, इसकी मूल विशेषताओं को दो भागों में आप विभाजित करिए। पहला जो है वह इसकी जो है परंपरागत विशेषताएं हैं, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ का कल्चर, हमारे यहाँ की आर्थिक भौगोलिक स्थिति, हमारे यहाँ का प्रोडक्शन, हमारे यहाँ परंपरागत जो व्यवसाय है, तो वही कह रहा है परंपरागत विशेषताएं हैं और दूसरी इसकी विशेषताएं कैसी हैं, नवीन विशेषताएं। यानी अगर भारत को समझना है तो भारत को समझना पड़ेगा कि इसका ट्रेडिशनल क्या है, ट्रेडिशनल उत्पादन क्या है, ट्रेडिशनल हम क्या क्या चीजें ट्रेड में क्या है, समझिए इस चीज को। और दूसरा जो है हमने नया क्या किया है, इन दो चीजों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम परंपरागत पर ही बात करेंगे और आइए इस पर हम देखते हैं, एक एक चीज को बात करेंगे। सबसे पहली बात कृषि की प्रधानता, आप समझ सकते हैं, हम बार बार ये लाइन आती है कि कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। आपने सुना होगा जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती रैन बसेरा, वह भारत देश है मेरा। भारत जो है वह कृषि प्रधान देश है, लहलाती फसलें, समझिएगा यहां का मुख्य क्या है, आधार है। वही बात कर 1951 में भारत की कार्यकारी जनसंख्या 69.5%, मतलब एक तरह से देखिए 70%, 69.5 का मतलब 70%, 70% लोग कृषि पर क्या थे, डिपेंड थे, कृषि पर आधारित थे। वैसे हम इसको 69.5 डाटा है तो ये हो गया 70 के आसपास ही, तो हो गया भाग कृषि में लगा हुआ था। यद्यपि वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद में काफी वृद्धि हुई है जो कि वर्ष 2018 में 58% था, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यह कितना हो गया, 58% हो गया। और देखिए देखिए मैं बता रहा हूं कृषि की तरफ से लोग शहर की तरफ बढ़े हैं, तो निश्चित रूप से जनसंख्या का एक भाग जो है गांव से शहर की तरफ पलायन किया है, इस बात को समझना चाहिए। अब इस बात को आप देख सकते हैं, जहां पर 70% की बात थी वहां पर 58% की बात हम लोग कर रहे हैं। प्रति व्यक्ति निम्न आय, यह एक समस्या का विषय है, प्रति व्यक्ति निम्न आय। मैं आपको बताऊं कि भारत का जो प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, जिनके पास आर्थिक यहां पर असमानता है, इस बात को हमें समझना चाहिए। जिनके पास पैसा है खूब है, जिनके पास पैसा नहीं है उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा है। इस तरह से अगर हम प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं तो बहुत कुछ कम आता है, मतलब ये समझिएगा कि लगभग 10-12 हजार रुपया ही आ जाता है, मतलब कितना 1600 या 1700 डॉलर के आसपास इसका डाटा है विश्व बैंक के अनुसार, जो कि बहुत कम है। जबकि अन्य अन्य जगहों पर मतलब 1 लाख जो है 1 लाख या उसके ऊपर मतलब डॉलर में है, जबकि भारत में लगभग 1600-1700 डॉलर के आसपास ही है। तो यह बहुत कम है प्रति व्यक्ति, जो हम आय की बात करते हैं तो प्रति व्यक्ति आय जो है बहुत कम है। और भारत की प्रति व्यक्ति आय केवल जो है आप देख सकते हैं यहां पर ये 1700 डॉलर थी, इस बात को हमें समझना चाहिए। तो प्रति व्यक्ति आय थोड़ी सी कम है यहां पर और इस बात को हमें समझना चाहिए। 1700 डॉलर का ये मतलब होता है कि लगभग वही मान चलिएगा कि 10-12 हजार रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से यहां पर जो बन रहा है, वो की एवरेज है। तो इसका मतलब बहुत सारे लोग होंगे जो इससे नीचे होंगे और बहुत सारे लोग जो उनके आएंगे इसके ऊपर होंगे, जो कि बहुत कम है, ठीक है। कतर वगैरह की जो है लगभग 4 से 5 लाख समझिए, कतर उतर की जो है कम से कम अमेरिका वगैरह की मान चलिएगा कि 2-2.5 लाख के आसपास है, मतलब इस तरह से डॉलर में अगर देखा जाएगा तो 1 लाख के आसपास डॉलर में है। वो हम लोग डाटा पढ़ेंगे ठीक से तो उसको देखेंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो गया, हमने ये बता दिया प्रति व्यक्ति आय। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, आप देखिए भारत गांव का देश है, यहां पर छोटे छोटे गांव हैं, भारत गांव का देश है। आज भारत में 6.05 लाख गांव हैं, वह लगभग 4000 छोटे बड़े शहर हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। भारत गांव का देश, यहां पर गांव विशाल संख्या में गांव हैं। और आप इस बात को देखें कितने गांव हैं, आप देखिए शहर कितने हैं, 4000, शहर कितने हैं 4000, लेकिन गांव कितने हैं 6.05 लाख गांव हैं, आप देख सकते हैं। तो बहुत बड़ी जो है जनसंख्या गांव में रहती है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की करीब 67% भाग गांव में निवास करती है। आप देखिए
67%, आप देखिए 67% एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन हो जाता है। इसका मतलब दो हिस्सा गांव में है और एक हिस्सा शहर में। इस तरह से पॉपुलेशन क्या है, बटा पड़ा है। दो हिस्से पॉपुलेशन गांव में बैठा हुआ है, एक हिस्सा शहर में है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जनसंख्या वृद्धि 2011 की, अगर क्योंकि अब इसके बाद जो है 10 वर्ष के बाद किया जाएगा तो अब 2021 में जनगणना होगी, इसीलिए हमको 2011 के अनुसार ही पढ़ना पड़ेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, ठीक है। पिछले वर्षों में भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर 17.64% रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। 17.64% है इसका मतलब 18% ही मान लीजिए, 18% इसका जो है ग्रोथ है। तो 18% बहुत बड़ा ग्रोथ होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पॉपुलेशन कंट्रोल करना पड़ेगा, जनसंख्या वृद्धि जो है वह एक चिंता का विषय है। बेरोजगारी भारत में देख सकते हैं, जनसंख्या अगर जहां भी ज्यादा है वहां पर बेरोजगारी होगा, जहां पर शहर में लोग कम है, ठीक है, वहां पर बेरोजगारी की समस्या होगी। आप इस बात को ध्यान रखिए, ग्राम अभी तक विकास किया नहीं है तो बेरोजगारी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं रहेगी। भारत में मानव श्रम की उपलब्धता उत्पादकों कार्यों की तुलना में अधिक है। उत्पादन जितना किया जा सकता है उसकी तुलना में, जितना हम उत्पादन कर सकते हैं उसकी तुलना में हमारे पास क्या है, आप देख सकते हैं श्रम, मानव श्रम हमारे पास उपलब्ध है लेकिन काम नहीं है। तो मानव श्रम की उपलब्धता उत्पादक कार्यों की तुलना में अधिक है, ऐसी स्थिति में समस्त जनसंख्या को लाभकारी रोजगार उपलब्ध करा पाना अत्यंत कठिन कार्य है। सभी लोगों को काम दे पाना, सभी लोगों से करवा पाना कठिन है क्योंकि रोजगार के अवसर कम है। अब देखिए अगली बात, ये सब देखिए भारत की पॉइंट है, इन पॉइंटों को आप समझ लेंगे तो आगे चल के इकोनॉमिक्स को समझने में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। पहले आप इन पॉइंटों को देखिए, क्या क्या पॉइंट हैं, आप देखिए भारत के संदर्भ में क्या क्या चीजें हैं, इनको बिंदुवार आप समझिए। प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता, अब इस बात को समझिएगा, प्राकृतिक संसाधन प्रचुर है, दोहन नहीं हो पा रहा है, जैसा दोहन होना चाहिए वैसा दोहन हो नहीं पा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता, भारत में प्राकृतिक स्थिति बेहद अनुकूल है, प्रकृति ने भारत को प्राकृतिक साधन प्रचुर मात्रा में किए हैं। भारत में सदा बहने वाली नदियां सोना चांदी कोयला लोहा अभ्रक, ठीक है, उर्वरक तथा मैग्नीज आदि खनिज पदार्थों का अथाह भंडार है। वन संपदा विशाल है और शक्ति के साधनों का बाहुल्य है, इस बात को देखना पड़ेगा। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है तथा जलवायु बेहद सुहानी है। परंतु भारत का दुर्भाग्य है कि इन प्राकृतिक साधनों को का समुचित विदोहन नहीं किया जा सका है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ की मिट्टी कैसी है, मिट्टी फर्टिलाइज है, मिट्टी बढ़िया है, देखिए ये कितनी अच्छी बात है। प्राकृतिक संसाधन भी तो कृषि प्रधान देश है, आप इस बात को समझिएगा। यहां पर क्या है, आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक स्थिति बहुत अनुकूल है, बहुत अच्छा मौसम वगैरह सब ठीक है। भारत में आप देख सकते हैं दुनिया भर के साधन क्या है, प्रचुर मात्रा में बहुत सारे जो है आप संसाधन उपलब्ध हैं, बहुत सारे एलिमेंट उपलब्ध हैं, ठीक है, इस बात को समझिएगा। सदा बहने वाली, हमेशा बारहों महीने बहने वाली यहाँ पर नदियां हैं। सोना चांदी कोयला लोहा अभ्रक उर्वरक मैग्नीज आदि खनिज पदार्थों का आप खूब भंडार भी है, आप देख सकते हैं। वन संपदा दुनिया भर की है, शक्ति के संसाधन बाहुल्य है, और मैं ये बता रहा था कि यहाँ की मिट्टी कैसी है, उपजाऊ है, और जलवायु बेहद सुहानी है। और भारत का बस दुर्भाग्य है कि इन प्राकृतिक साधनों का सही प्रकार से दोहन नहीं कर पा रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सातवां पॉइंट, आय में विषमताएं, इनकम में विषमताएं, यह आपको समझना चाहिए। भारत में आय एवं संपत्ति के वितरण में असमानता पाई जाती है, किसी की सैलरी बहुत ज्यादा, किसी की सैलरी बहुत कम, किसी के पास जॉब ही नहीं, किसी के पास काम ही काम, यह बड़ी समस्या है, आप इस बात को समझिएगा। तो इनकम जो है सबका यहां पर समान नहीं है, यह एक विकास का बहुत बड़ा ही बाधक तत्व है। रूढ़वादिता, एक ये चीज समझिएगा, हमारे यहाँ अभी भी रूढ़वादिताएं हैं, रूढ़वादिता बहुत जो है देश को पीछे भी लेके जाता है। जैसे आप देखिए मृत्यु भोज, अगर कोई मर गया तो उसमें भोजन खिलाने जैसी कौन सी बात है, लेकिन यह एक रूढ़वादिता है, इस बात को आप समझिएगा, ठीक है। शादी ब्याह में कहते खूब पैसा खर्चा करो, खूब पैसा दिल खोल के खर्चा करो। अब एक बात सोचिए, जिस लड़की की शादी होती है उसके लिए पिता क्या करता है, कर्ज से दब जाता है, समझिएगा। अगर वह अच्छे पैसे ना खर्चा करे, अच्छी तरीके से शादी ना करे, तो लड़की शायद अच्छे घर में ना जाएगा, अच्छे घर से रिश्ता नहीं मिल पाएगा। कई सारी देख रहे हैं, बहुत सारी जो है रूढ़िवादिताएं हैं, समझिएगा। वह रूढ़िवादिताएं क्या कर रही हैं, व्यक्ति को आर्थिक संकट में डाल रही हैं। और व्यक्ति अगर
आर्थिक संकट में गया तो राष्ट्र तो आर्थिक संकट में अपने आप ही चला जाएगा। तो वही बात है, वो भी भारत जैसे विशाल देशों में सामाजिक रूढ़िवादिता अभी मौजूद है, सामाजिक आर्थिक संबंधों में कोई विशेष परिवर्तन अभी भी दिखाई नहीं देता है। भारत में विवाह के समय दावतें, जो मैं आपको बता रहा था, शादी के समय में दावत करिए, आभूषण आदि में खर्च, मृतक भोज आदि के अनुत्पादन कार्यों के लिए कर्जा लेकर अव्यय करते हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या होता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस बात को समझिएगा। अगला पॉइंट देखिए, कुशल श्रम एवं तकनीकी ज्ञान का अभाव। कुशल श्रम एवं तकनीकी ज्ञान का अभाव, यहां पर आपके पास जो है कुशल श्रम, मतलब टेक्नोलॉजी, अभी तक लोग टेक्नोलॉजी से जुड़ नहीं पाए हैं। 2020 चल रहा है, लेकिन क्या हम टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से जुड़ गए हैं? नहीं, अभी तक हमने टेक्नोलॉजी को ठीक प्रकार से जो है नहीं अपनाया हुआ है। कुशल श्रम और तकनीकी, यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में कुछ क्षेत्रों में तकनीकी विकास हुआ है, लेकिन अन्य देश की तुलना में यह बहुत कम है। भारत में प्रति हेक्टेयर उपज एवं प्रति सभी उपज दोनों का स्तर अन्य देशों की तुलना में काफी नीचे है। इस बात को हमें समझना चाहिए, भारत में ये दोनों स्तर ही क्या है, प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, प्रति व्यक्ति प्रति हेक्टेयर उपज कम है। हरित क्रांति आई है, द्वितीय हरित क्रांति की बात की जा रही है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, लेकिन अभी भी उत्पादन जितना होना चाहिए, प्राकृतिक संसाधन का जितना दोहन होना चाहिए, क्या वह दोहन हो पा रहा है? बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। तो यह हमने देखा, यहां पर कई सारे पॉइंट देखिए, इसमें 8-9 पॉइंट हमने बताया, इसको आप याद रखिए। पहला पॉइंट कृषि का पॉइंट है, कृषि की प्रधानता की बात हमें समझना चाहिए। दूसरा आपको समझना चाहिए, देखिए ये हमने बताया कि हमारी परंपरागत विशेषताएं हैं, ट्रेडिशनल चीजें जो है उस पर मैं बात कर रहा था। कृषि की बात की, प्रति व्यक्ति निम्न आय की बात की, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की हमने बात किया, जनसंख्या वृद्धि की बात की, बेरोजगारी की बात की, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता की बात की, आय वितरण में असमानता की बात की, रूढ़िवादिता की बात की, कुशल श्रम एवं तकनीकी ज्ञान के अभाव की बात हमने की। तो ये हमने आपको बताया कि यह परंपरागत ट्रेडिशनल जो समस्याएं थी उनमें जो अच्छी बातें थी और जो हमें पीछे लेके जा रहे हैं, इन बातों पर थोड़ा सा मैंने आपको प्रकाश डाला। अब बात आती है कि भारत की जो नवीन जो व्यवस्थाएं हैं वह अर्थव्यवस्था की नवीन विशेषताएं क्या हैं, आइए इस बात को देखते हैं। अब हम ट्रेडिशनल पर बात कर रहे थे, अब हम देखते हैं। पहला इसमें देखिए पॉइंट है नियोजित अर्थव्यवस्था। नियोजित अर्थव्यवस्था, आइए समझते हैं कैसे। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तीव्र गति से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था में शामिल हो गई है। मैं क्या बता रहा हूं, हम रेस में शामिल हो चुके हैं, विश्व की अर्थव्यवस्था में हम शामिल हो चुके हैं। इस बात को ध्यान रखिए, कंधे से कंधे मिलाकर के हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। वही बात यहां पे कहा जा रहा है कि हम अब विश्व की तीव्र गति से हम लोग क्या कर रहे हैं, शामिल हो चुके हैं। दूसरी चीज, 1990 के दशक में उदारीकरण की प्रक्रिया का भारतीय अर्थव्यवस्था ने आर्थिक समृद्धि पर विशेष जोर दिया है। मैंने क्या कहा, इकोनॉमिक ग्रोथ पर हमने क्या किया, काफी जोर दिया क्या है, 1991 के बाद, उदारीकरण के बाद हम निश्चित रूप से बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। तो ये हमें समझना चाहिए। इसके बाद भारत में उद्योगों का विकास, अब हमने क्या किया, हमने क्या कहा, हमारा मुख्य कृषि पर थे, लेकिन अब हम इस बात को समझ रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम समझने लगे हैं, यानी हम उद्योगों के विकास की बात हम कर रहे हैं। आप देखिए, वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र में इस्पात, सीमेंट, रसायन, इंजीनियरिंग, कोयला व अन्य उद्योगों को स्थापित किया गया। 1956 की औद्योगिक नीति प्रस्ताव IPR समझिएगा, तो के द्वारा औद्योगिक विकास के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। आप इस बात को समझिएगा, हम इस बारे में औद्योगिक विकास के बारे में 1956 में बात कर रहे थे। 1956 में हमने कहा क्या कि हमें औद्योगिक नीति प्रस्ताव, ठीक है, के द्वारा औद्योगिक विकास के लिए हमने पूरा ढांचा तैयार किया था। इस बात को समझिएगा। और 1991 में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इन तीन बातों को याद करिएगा, LPG, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इस बात को समझिएगा। एलपीजी सिद्धांत पर हमने काम किया, एलपीजी सिद्धांत हमने अपनाया, हमने उदारीकरण की नीति अपनाई, हमने निजीकरण की नीति अपनाई, प्राइवेटाइजेशन पर हमने खूब जोर दिया, हमने वैश्विक ग्लोबलाइजेशन पर हमने जोर दिया। अपनाने के बाद विकास की स्थिति में काफी सुधार आया है। तो हमें यह समझना चाहिए कि अगर हम नवीन अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो इसमें दो बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। पहला पॉइंट कि हमारी एक नियोजित अर्थव्यवस्था है, और दूसरा पॉइंट भारत में उद्योगों का हम क्या कर रहे हैं, विकास एक ब्लूप्रिंट के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। अब इस बात को हम लोग और अच्छे समझेंगे, ठीक,
टू द पॉइंट समझते हैं, नई अर्थव्यवस्था को हमें समझना पड़ेगा, एक एक तरफ से हम इस चीज को समझेंगे, एक एक पॉइंट हम इस चीज को क्लियर करेंगे। भारत में नियोजन, पहले समझिए नियोजन क्या है। नियोजन एक प्रोसेस है, नियोजन एक प्रक्रिया है, नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भावी उद्देश्यों तथा उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों को निर्धारित किया जाता है। समझिए क्या है नियोजन। नियोजन एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा भावी उद्देश्य, अगर हम कोई टारगेट रखते हैं कि हमें ये चीज पूरा करना है तो हम उस टारगेट के लिए आगे बढ़ते हैं। भावी उद्देश्य और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्य को निर्धारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त उन सभी परिस्थितियों की जांच की जाती है जिससे इसका सरोकार होता है। समझिएगा, एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत हम लोग क्या करते हैं, उन सारे टर्म को, उन सारी परिस्थितियों को, उन सारे सिचुएशन का एनालिसिस करते हैं और उस दिशा में हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक प्रॉपर तरीके से हम चलते हैं। अब देखिए आर्थिक नियोजन की प्रमुख विशेषताएं, यहां से चीजें और क्लियर हो जाएंगी। लक्ष्यों एवं प्राथमिकताओं का निर्धारण, समझिएगा, हमने एक लक्ष्य रखा है और किस तरह से, क्या हमारा प्राथमिकता क्या है, उस प्राथमिकता का हमने पहले निर्धारण किया, ठीक है, सोच समझ कर लक्ष्यों को हम निर्धारित करते हैं, ठीक है, और उनकी प्राप्ति हेतु क्या क्या प्राथमिकताएं अपनानी चाहिए, उस क्रम को भी हम क्या करते हैं, सुनिश्चित करते हैं, एक प्लानिंग के तहत हम आगे बढ़ते हैं। यह एक सरकारी रणनीति का हिस्सा है, यानी यह गवर्नमेंट के प्रोसेस का एक पार्ट है। इसका उद्देश्य समाज के विकास करना, रहन सहन के स्तर को ऊपर उठाना, आय में वृद्धि करना, मतलब जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना है। आर्थिक नियोजन एक निश्चित अवधि हेतु होता है जिसमें निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयत्न किए जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमने कोई टारगेट रख लिया और हमने कहा कि यह जो है टारगेट 200 साल बाद पूरा होगा जिसका आज के व्यक्ति को लाभ मिलेगा, तो निश्चित रूप से 50 60 70 साल में तो आदमी चला जाएगा, तो इसीलिए आप ऐसा कर नहीं सकते हैं। तो एक जो है इसके लिए क्या करेंगे, छोटे छोटे जो है टाइम पीरियड रहते हैं जिसमें हम कुछ कुछ लक्ष्य जो है रख करके उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए पंचवर्षीय योजना ही बनाई जाती है, 5 साल तक हम एक प्लानिंग को लेकर कर उस पर काम करते हैं, हम ऐसा नहीं करते हैं कि 50 वर्षीय योजना बनाने, समझिएगा इस चीज को। जैसे मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो उसके लिए हम दीर्घकालिक योजना बना सकते हैं कि इतने साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में हमारा ये टारगेट है कि हम इस तरह से गांवों से हर सड़कों, हर शहर को गांव की सड़कों से जोड़ देंगे, पक्की सड़कें करवा देंगे। चलिए ये तो एक बात समझ में आती है, लेकिन अगर हम जीवन के स्तर और जीवन यापन के स्तर की बात करें, आदमी की रोजी रोटी की बात करें, उसके खाने पीने की, उसकी बेसिक मूलभूत सुविधाओं की, उसकी दवाइयों की, उसके स्वास्थ्य की चिंता करें, उसकी पढ़ाई की चिंता करें, तो हमें साथ के साथ ही क्या करना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। तो इसलिए हम एक निश्चित टाइम रखते हैं और उस पर हम क्या करते हैं, काम करते हैं। अब देखिए ये आपने समझ लिया। अब भारत में नियोजन का प्रमुख लक्ष्य, भाई आप नियोजन करने की बात कर रहे हैं, प्लानिंग करने की बात कर रहे हैं, तो नियोजन का जो है आपका लक्ष्य क्या है, पहला आर्थिक विकास, समझ में आ रहा है, पहला हमारा लक्ष्य क्या है, हम आर्थिक विकास की बात करेंगे। दूसरा सामाजिक न्याय चाहिए, समझ रहे, सामाजिक न्याय चाहिए, सामाजिक जस्टिस चाहिए, गरीबी निवारण एवं रोजगार के अवसरों का क्या चाहिए, हमें सृजन चाहिए, गरीबी कम करेंगे, बेहतर रोजगार पैदा करेंगे, निवेश एवं पूंजी निर्माण को बढ़ावा देंगे, हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पैसा हमारे यहाँ क्या हो, देश में लगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिले और हम इस तरह से आगे बढ़े। आय वितरण एवं क्षेत्रीय विषमताएं दूर करना, हम चाहेंगे कि जो व्यक्ति काम कर रहा है उस तक उसका पैसा पहुंचे, आय वितरण में कहीं दिक्कत न हो, किसी काम के लिए किसी को ज्यादा पैसे, उसी काम के लिए किसी को कम पैसे, इस तरह की चीजें ना हो, आय वितरण एवं क्षेत्रीय विषमताएं हम क्या करेंगे, दूर करेंगे। अब इस चीज को अगर हम आर्थिक नियोजन को समझेंगे तो हमें आर्थिक नियोजन के इतिहास को जानना पड़ेगा। आइए समझते हैं कि आर्थिक नियोजन का इतिहास क्या है। बात हो रही 1934 की, यानी आजादी से पहले की बात करेंगे। 1934 में सर एम विश्वरैया ने, आपने सुना होगा ये बहुत बड़े इंजीनियर थे, सर एम विश्वरैया ने अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में 10 वर्षीय योजनाओं प्रस्तुत की जिसके मूल उद्देश्य क्या थे, इस बात को समझिएगा, यानी भारत की आर्थिक विकास के लिए, ठीक है, हमारे देश के शीर्ष जो व्यक्तित्व रहे हैं उन्होंने लगातार प्रयास किया है। और इसमें सबसे पहले हमने नाम बताया सर विश्वरैया का, सर एम विश्वरैया का। विश्वेश्वरैया जो है उन्होंने बात कब की है, 1934 में, और उन्होंने कहा, एक बुक अपनी पुस्तक लिखी और उसमें लिखा प्लान इकोनॉमिक ऑफ इंडिया, समय मिले तो आप इस बुक को पढ़ें, प्लान इकोनॉमिक ऑफ इंडिया, जबकि इसकी मूल बात हम आपको बताएंगे यहां पर, 10 वर्ष योजना प्रस्तुत किए जिसके मूल उद्देश्य, इस उद्देश्य को समझिएगा, 10 वर्षों में राष्ट्रीय आय को दोगुना करना, इस बात को ध्यान रखिएगा। उन्होंने एक बुक लिखा था, उन्होंने लिखा था हर 10 वर्ष में इनकम क्या हो जाने चाहिए, हर जो है वह डबल हो जानी चाहिए, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, उन्होंने कहा था इंडस्ट्रियल जो है प्रोडक्शन
उसमें तेजी से वृद्धि होना चाहिए। और लघु एवं बड़े उद्योगों का समन्वित विकास करना, लघु उद्योग और जो बड़े उद्योग हैं उन दोनों का समन्वित तरीके से हमें डेवलप करना पड़ेगा। यह बात किसने की थी? विश्वेश्वरैया जी ने कहा था। कब विश्वेश्वरैया जी ने कहा था? 1934 में। आप इस बात को देखिएगा। अब इसमें तीन पॉइंट हमने बताया कि भाई 10 वर्षों में आय डबल कर दो, औद्योगिक उत्पादन में विकास कर लो, ठीक है, लघु और बड़े उद्योगों को समृद्ध। लेकिन यह एक क्या हुआ, एक विचारधारा है, समझिएगा इस चीज को। ऐसा कहने से तो हो नहीं जाता है, नहीं तो हम कहें एक साल में ही हर व्यक्ति की आमदनी 10 गुना कर दो, कैसे हो पाएगा। तो उन्होंने एक टारगेट दिया, एक विजन दिया कि हम इस तरह से ऐसे करें। अब देखिए, राष्ट्रीय नियोजन कमेटी, जिसको हम बोलते हैं नेशनल प्लानिंग कमेटी, भारत में नियोजन के निर्माता जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू को पूरा देश जानता है, प्रथम प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, भारत के पहले प्रधानमंत्री। 1938 में उनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन कमेटी की स्थापना हुई थी। देख रहे हैं, ये सारी बातें चल रही है कब से, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले। उनकी अध्यक्षता में 1938 में कमेटी बैठी। कमेटी का नियोजन विभिन्न पहलुओं पर विचार कर आर्थिक विकास संबंधित विभिन्न विषयों पर अध्ययन तैयार किया गया। समझे, इस बात को समझिएगा। यानी हम पहले से ही, आजादी के पहले से ही, आजादी की लड़ाई तो एक तरफ लड़ी जा रही थी, लेकिन आर्थिक विकास की बात हो रही थी। ऐसा था, ऐसा ना हो कि आजादी तो मिल जाए और फिर हम लोग है भूखे मर जाए, इस बात को समझना पड़ेगा। तो देश सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, प्लानिंग पहले से करनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं इसकी प्लानिंग 1938 में किसके अध्यक्षता में, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हमने इस पर बात किया था। अब आइए थोड़ा कुछ और चीज समझते हैं। गांधीयन प्लान क्या था, गांधी योजना क्या थी, इस बात को समझिएगा। आइए कुछ कुछ टर्म इसको हम समझते हैं। श्रीमन नारायण एवं आचार्य एस अग्रवाल ने भारतीय कृषि, लघु एवं कुटीर उद्योगों आदि को शामिल करते हुए एक योजना तैयार की, जिसे विकास का गांधी मॉडल या गांधी योजन कहा जाता है। समझिएगा, एक नाम दे दिया गया विकास का गांधी। भाई देखिए, पूरी स्वतंत्रता में गांधी जी के योगदान को बिल्कुल भुलाया नहीं जा सकता। और हमने एक जो है मॉडल तैयार किया, इस मॉडल को किसने तैयार किया, देखिएगा, श्रीमन नारायण एवं आचार्य एस एन अग्रवाल ने। भारतीय कृषि, कृषि की बात की जा रही है, लघु एवं कुटीर उद्योगों आदि को शामिल करते हुए एक योजना बनाई, और उस योजना का नाम, जिसे विकास का गांधी मॉडल या गांधी योजना कहा जाता है, गांधीयन प्लान कहा जाता है। अब अगला देखिए, ये छोटे छोटे टर्म है, इनको आप जान लीजिएगा। मुंबई प्लान, मुंबई प्लान क्या है, आइए देखते हैं। मुंबई प्लान 1944 में मुंबई को के 8 उद्योगपतियों ने एक संक्षिप्त ज्ञापन भारत के लिए आर्थिक विकास की एक योजना तैयार की, जिसे मुंबई प्लान के नाम से जाना जाता है। यह योजना 15 वर्षों के लिए थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मुंबई जो है हमेशा से आर्थिक समृद्धि का एक केंद्र रहा है, समझिएगा इस चीज को हमेशा, क्योंकि पहले जो थी समुद्री गतिविधियां सारी होती थी, बहुत बड़ा वहां पर पोर्ट था, बंदरगाह था, तो बहुत जो है मुंबई जो है कई मायने में, और उसकी अपनी एक जो है सुंदरता जो है आप देख सकते हैं, प्राकृतिक उसका बनावट और सारी चीजें, तो मुंबई हमेशा से एक बड़ा सेंट्रल चीज रहा है। मुंबई प्लान की बात करें तो यह बात देखिए 1944 की है, और मुंबई के 8 बड़े जो है उद्योगपतियों ने एक संक्षिप्त ज्ञापन भारत के लिए आर्थिक विकास की एक योजना तैयार की, और उन्होंने कहा, जिसको क्या बोल दिया गया कि इसे हम बोलेंगे मुंबई प्लान, ठीक है। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, देखिए क्या क्या उद्देश्य हमने रखा। पहली बात हमने रखा एजुकेशन के बारे में, शिक्षित करना पड़ेगा, अगर आप विकास करना चाहते हैं तो आपको एजुकेशन लेके जाना पड़ेगा। सबसे पहला जो था वह शिक्षा को प्राथमिकता दिया गया। दूसरा, राष्ट्रीय आय को 3 गुना करने की बात की गई थी, ठीक है, नेशनल इनकम को हम 3 गुना करने की बात कहेंगे। प्रति व्यक्ति आय को विश्वेश्वरैया की, जैसे विश्वेश्वरैया जी ने कहा था कि विश्वेश्वरैया जी ने कहा था कि हम जो है वहां पर हम राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय 2 गुना की बात उन्होंने की थी, तो वो बात यहाँ पे भी कहा गया है कि प्रति व्यक्ति आय 2 गुना करना है और औद्योगिक उत्पादन को 5 गुना करना है। या आप देख सकते हैं 4 पॉइंट इन्होंने दिए। पहला, शिक्षा को प्राथमिकता। दूसरा, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम को 3 गुना, तो प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना और औद्योगिक उत्पादन को 5 गुना, इस तरह से जो है वहां पर बात की गई। इस योजना को पूर्णतः पूंजीवादी घोषित कर दिया गया, फलस्वरूप यह योजना लागू ना हो पाई, क्योंकि आप देखिए इसमें जो है यह 8 बड़े उद्योगपति जो है इन्होंने दिया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। और बाद में इस योजना को यह बोल दिया गया कि यह पूंजीवादी है, और पूंजीवादी योजना जो है इस तरह से इसको जो है बोला गया कि यह जो है योजना लागू नहीं हो पाएगी। अब आइए आगे चलते हैं, जनता योजना। 1944 में ही साम्यवादी दल के नेता M.N. राय ने जनता योजना, पीपल्स प्लान बनाया।
यह रूसी आयोजन से प्रेरित था। इसे सामूहिक या सरकारी खेती एवं भूमि के राष्ट्रीयकरण की सिफारिश की गई थी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। उपरोक्त सभी योजनाएं कागजी थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब आप इस तरह से देखिएगा, चाहे बुक लिखा गया हो, चाहे कोई योजना बताई गई हो, ये जितनी भी योजनाएं देखें, चाहे आप जनता योजना की बात कर लें, चाहे मुंबई प्लान की बात कर लें, चाहे आप गांधी प्लान की बात कर लें, चाहे आप राष्ट्रीय नियोजन कमेटी की बात कर लें, आप चाहे बिश्वरैया जी की बुक की बात करें, ये जितनी भी योजनाएं आप पढ़ रहे हैं, ये सारी योजनाएं कैसी योजना है? ये सारी योजनाएं कागजी योजना है। मतलब यह कागज पे सिमट के रह गई। उपरोक्त सभी योजनाएं कागजी थी, परंतु इन सभी योजनाओं ने भारत में आयोजन की सोच के लिए प्रेरक का कार्य किया। मतलब हमें एक सोचने के लिए दिशा तो मिल गई। हम सोच तो सकते थे कि हाँ, निश्चित रूप से ऐसा मॉडल हो सकता है, इस दिशा में काम किया जा सकता है। ठीक है, योजनाएं लागू नहीं हो पाई, यह योजनाएं जो है क्रियान्वयन में नहीं आई, इन योजनाओं का लाभ नहीं है किसी को तक पहुंच पाया, लेकिन हमारे पास एक विजन तो आया कि हाँ, हम इस विजन के तहत एक इस दृष्टि में हम काम करके लोगों तक इस बात का लाभ पहुंचाएंगे। तो अब ये देखिए, प्रेरक का काम किया। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना को शुरुआत की गई। पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई है, इस बात को ध्यान देखिएगा। 1951 के शुरुआती समय में पहली पंचवर्षीय योजना शुरुआत की गई। उसके पश्चात पंचवर्षीय योजनाओं की श्रृंखला चालू हो गई। आर्थिक विकास के लिए मिश्रित प्रणाली को चुन लिया गया, जिसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों को समाहित किया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों सेक्टरों को साथ में लेकर चलने की बात की गई है। हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कर दी है। यह सत्र है 50-51 का। यहां से हम हर 5 साल के लिए हम क्या करेंगे, एक योजना लेकर के आएंगे और इस योजना पर हम लोग बात करेंगे, योजना और उस योजना पर लागू किया जाएगा। मतलब अब जब हम जिन योजनाओं की बात करेंगे, उन योजनाओं से देश को लाभ मिलेगा, उस पर कार्य होगा, समझिएगा इस चीज को। इससे पहले हमें समझना पड़ेगा प्लानिंग कमीशन को, योजना आयोग को पहले समझेंगे हम। योजना आयोग आईएएस को देखते हैं। देखिए, द प्लानिंग कमीशन, भारतीय संविधान में योजना आयोग का कोई उल्लेख नहीं है। पहली बात, एक बात समझिएगा, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है योजना आयोग के लिए, संविधान में कहीं कोई जगह नहीं है। भारतीय संविधान में योजना आयोग का कोई भी उल्लेख नहीं है। भारत मार्च 1950 में इस आयोग का गठन परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया। मतलब यह एक एडवाइजरी बॉडी है। पहले इस बात को समझें, योजना आयोग कैसी बॉडी है, एक एडवाइस देगी, एक सलाह देने वाली यह बॉडी है। संपूर्ण आर्थिक क्षेत्र के पुनर्निर्माण हेतु 1946 में गठित नियोगी समिति की संतुष्टि का संज्ञान लेते हुए 1950 में संविधान लागू होने के बाद मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग का गठन हुआ। आप इस बात को समझिएगा, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा मंत्रिमंडल की टीम बैठी, उन्होंने आपस में इस बात को प्रस्तावित किया, देश कैसे आगे जाएगा, विकास कैसे होगा, विकास पर ध्यान कौन रखेगा, जिम्मेदारी कौन लेगा। तो इसकी जिम्मेदारी लेता है प्लानिंग कमीशन, यानी इसकी जिम्मेदारी लेता है योजना आयोग। यह एक गैर संवैधानिक सलाहकारी परामर्शदात्री निकाय है, इस बात को समझना चाहिए। यह एक गैर, समझिएगा, गैर संवैधानिक सलाहकारी, ये सलाह दे सकती है। यह कैसा निकाय है, परामर्शदात्री निकाय है, तथा सरकार के समक्ष यह अपना विचार रखता है। यह केंद्रीय मंत्रिमंडल से सचिवालय स्तर तक जुड़ा हुआ है। यह मंत्रिमंडल संगठन का एक भाग है तथा इसके लिए मांग अनुदान, समझिएगा, जिसको हम कहते हैं डिमांड फॉर ग्रांट, को बजट में रखा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका मतलब डिमांड ऑफ ग्रांट हमें समझना पड़ेगा, डिमांड फॉर ग्रांट, यानी आप देखिएगा कि पैसा जो है, योजना आयोग जो है भाई विकास की बात करेगा तो जहां जहां विकास की बात करेगा वहां पैसा लगाना पड़ेगा। तो बजट में इस पर हम एक बहुत बड़ा जो है क्या करते हैं, एक बजट जो है रखा जाता है इसके लिए। प्रधानमंत्री योजना आयोग का क्या होता है, प्रदेश अध्यक्ष होता है, इस बात को समझिएगा। प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, इसका जो अध्यक्ष होगा। और योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष फिर कौन होंगे, इस तरह से आप देख सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी इसके लिए कहीं से अध्यक्ष के चुनाव करने की जरूरत नहीं है, जो प्राइम मिनिस्टर बना वो ऑटोमेटिक योजना आयोग का क्या बन गया, अध्यक्ष बन गया। तो पहले कौन से थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग में एक उपाध्यक्ष, समझिएगा, एक वाइस प्रेसिडेंट जिसको हम बोलते हैं,
एवं तीन पूर्णकालिक एवं तीन अंशकालिक सदस्य होते हैं, समझिएगा, तीन परमानेंट और तीन टेम्पररी, इसमें आप देख सकते हैं मेंबर होंगे, और एक उपाध्यक्ष होगा, आप इस बात को समझिएगा। वित्त मंत्री, विदेश मंत्री तथा विनिवेश मंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर आप देख सकते हैं, विदेश मंत्री और विनिवेश मंत्री, ये तीनों जो होते हैं इसके पदेन सदस्य होते हैं। उपाध्यक्ष को कैबिनेट स्तर का मंत्री एवं सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा भी प्राप्त होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए यह सारे पद जो है यह कैसे पद हैं, आप इस बात को देखिएगा। यहां पर योजना आयोग में यहां पर एक उपाध्यक्ष, तीन पूर्णकालिक सदस्य, तीन अंशकालिक जो सदस्य होते हैं, ये जितने भी सदस्य हैं इनको जो दर्जा दिया गया है, इनको आप देख सकते हैं कैसा दर्जा, उपाध्यक्ष का जो है वह कैबिनेट स्तर का मंत्री का दर्जा है, ठीक है, और जो सदस्य है उसको कैसा दर्जा, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव में योजना आयोग के उपाध्यक्ष को निम्नलिखित दायित्व भी दिया गया है, वो आप देखिए कौन कौन दायित्व दिया गया है। पहला, देश की भौतिक संसाधनों तथा जनशक्ति का अनुमान लगाना और आवश्यकता अनुसार उसमें वृद्धि की संभावना तलाशना, ये पहला पॉइंट है कि भाई जो हमारी भौतिक संसाधन है उन और जनशक्ति है उसको आप अनुमानित करिए, और उस अनुमानित करने के बाद उसे किस तरह से हम ग्रोथ में लगा सकते हैं, तो इसकी संभावना कितनी है इसको आपको तलाशना पड़ेगा। दूसरा, देश के संसाधनों का संतुलित उपयोग हेतु प्रभावी योजना बनाना, इस बात को ध्यान रखिएगा, जो भी योजनाएं हैं क्या वो प्रभावी तरीके से चल रही कि नहीं चल रही। तीसरा, प्राथमिकताओं का निर्धारण करना और इन प्राथमिकताओं के आधार पर योजना के उद्देश्य निर्धारित करके संसाधनों का आवंटन करना, इस बात को समझिएगा, प्राथमिकताओं का निर्धारण करना, ठीक है, प्राथमिकता देनी पड़ेगी, प्राथमिकताओं का निर्धारण करना पड़ेगा और इन प्राथमिकताओं के आधार पर योजना के उद्देश्य निर्धारित करके संसाधनों का आवंटन करना, यह हमें समझना पड़ेगा। योजना के प्रत्येक चरण को सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक तंत्र का स्वरूप निश्चित करना, योजना में विभिन्न चरणों पर योजना प्रगति का मूल्यांकन करना, यह बात हमें समझना पड़ेगा। योजना अवधि के विभिन्न चरणों पर योजना प्रगति का मूल्यांकन करना, आपको इवेलुएट करना पड़ेगा एक एक पॉइंट को। ये सारा दायित्व किसको दिया गया है, जो प्लानिंग कमीशन का उपाध्यक्ष है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब चलते हैं इसमें, हम चलते हैं बात करते हैं अगला जो पॉइंट है, राष्ट्रीय विकास परिषद की। योजना आयोग और नीति आयोग पर हम लोग आगे बात करेंगे, योजना आयोग का ही नाम नीति आयोग किस तरह से रखा गया है, इन चीजों पर परिचर्चा आगे होगी। फिलहाल हम बहुत शुरू से पढ़ रहे हैं तो हमें योजना आयोग के बारे में समझें। अब हम बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की, राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करेंगे। राज्य तथा केंद्र के बीच शक्तियों के विभाजन, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए भारत जो है यह लोकतंत्र वाला देश है और यहां पर जो है इसका जो संसदीय व्यवस्था है वह कैसी संसदीय व्यवस्था है, इसमें आप देखिएगा कि दो तरह की व्यवस्थाएं काम करती हैं, एक इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट काम करता है और एक इसमें स्टेट गवर्नमेंट काम करता है, यानी एक संघीय व्यवस्था है। और आप इस तरह से देखेंगे कि जहां पर इस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं तो उनके बीच में तालमेल की हमेशा दिक्कत होती है। आप देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद की, राष्ट्रीय विकास परिषद की शुरुआत यहीं से होती है। राज्यों तथा केंद्रों के बीच शक्तियों का विभाजन को ध्यान में रखते हुए राज्यों की हिस्सेदारी योजना तैयार करने हेतु 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। यह गठन 1952 में किया गया। यह एक, फिर वही देखिए समस्या है, यह एक संविधानतर निकाय है। इसका उद्देश्य राज्यों एवं योजना आयोग के बीच सहयोग का वातावरण बनाकर आर्थिक नियोजन को सफल बनाना, मतलब समझ रहे हैं, जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसके काम को समझिए। राष्ट्रीय विकास परिषद आप देख सकते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, क्या एम है राष्ट्रीय विकास परिषद का। वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद, यहां पर डेवलपमेंट की बात की जाएगी, लेकिन जरा इस पॉइंट को समझिएगा। उद्देश्य राज्यों एवं योजना आयोग के बीच सहयोग का वातावरण बनाकर आर्थिक, क्योंकि देखिए योजना आयोग पूरी तरह से कहां पर है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर में है। प्राइम मिनिस्टर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो इसका मतलब अगर हम योजना आयोग का अगर स्टेट के साथ समन्वय बनाना है तो कोई तो उस समन्वय को बनाएगा, कौन बनाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, बनाकर आर्थिक नियोजन को सफल बनाना है। प्रधानमंत्री इस परिषद के प्रदेश अध्यक्ष होते हैं। अब ये एक बात और समझिएगा, इस परिषद के भी, राष्ट्रीय विकास परिषद के भी प्रदेश अध्यक्ष कौन है, प्राइम मिनिस्टर ही है। अब देखिएगा वर्तमान में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, परिषद के सभी सदस्य, केंद्र शासित
प्रदेशों के प्रशासक तथा योजना आयोग के सभी सदस्य राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रदेश सदस्य होते हैं। यह एक महत्वपूर्ण बात है। देखिए, हम राष्ट्र को लेके आए कि नहीं है, जब हम राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करते हैं तो जब तक राष्ट्र के लोग वहां पर नहीं होंगे तब तक हम कैसे बात करेंगे। तो देखिए, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को उनका सदस्य बना दिया गया, कैबिनेट मंत्री परिषद के सभी सदस्य हो गए, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक एवं योजना आयोग के सभी सदस्य राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रदेश सदस्य होते हैं। इसके बाद देखिए, इसका प्रमुख उद्देश्य सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एक समान आर्थिक नीतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा देश के सभी क्षेत्रों में तीव्र एवं संतुलित विकास को प्रोत्साहन करना। निश्चित रूप से अगर हम बात करेंगे विकास परिषद की, तो वह चाहेगा कि सभी राज्य देश के हर भाग तक एक संतुलित विकास हो। अब जो आइए देखिएगा, हम बताते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद किस तरह से काम करता है और क्या काम करता है। देखिए, पहला, राष्ट्रीय योजना की प्रगति पर समय समय पर विचार करना। समझिएगा, जो योजनाएं हैं उस पर बीच बीच में कौन विचार करेगा, बीच बीच में कौन ध्यान रखेगा। योजना आयोग को प्राथमिकता निर्धारण एवं परामर्श देना। भाई देखिए, बताना पड़ेगा कि भाई देखिए, इस चीज पर आप पहले ध्यान दीजिए, इस पर बाद में ध्यान दीजिए। यह परामर्श एडवाइजरी बॉडी की तरह काम कर रहा है। योजना के लक्ष्यों को निर्धारित में योजना आयोग को सुझाव देना, ध्यान रखिएगा। और योजना को प्रभावी करने वाले आर्थिक एवं सामाजिक घटनाओं की भी समीक्षा करना कि भाई सोशल रूप से वहां पर यह योजना लागू करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इन सारी चीजों पर इसका काम करना। योजना आयोग द्वारा तैयार की गई नई योजना का अध्ययन करके इसे अंतिम रूप देना एवं स्वीकृति प्रदान करना। राष्ट्रीय योजना के संचालन का समय समय पर मूल्यांकन करना। ये सारी बातें जो थी, यह हमने बात किया राष्ट्रीय विकास परिषद की, हम यहां पर बात कर रहे हैं। अब बच्चों, हम बात करेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना की। आप देख सकते हैं, इससे पहले 11 पंचवर्षीय योजना और रही होंगी, एक एक करके हमारे पास अब 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस समय लागू है 13वीं पंचवर्षीय योजना, यानी 17 से लेकर के 22 तक। लेकिन हम पहले पढ़ेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना, अगर 12वीं समझ में आ जाएगी तभी हम वर्तमान करंट संबंध में 13वीं को समझ पाएंगे। तो हम सबसे पहले 12वीं पंचवर्षीय योजना को ठीक प्रकार से समझते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए, हम बात कर रहे हैं देश के विकास की, बात कर रहे हैं योजना आयोग की, बात कर रहे हैं हम राष्ट्रीय विकास परिषद की, बात कर रहे हैं हम देश के विकास की, और हम आपको बताने जा रहे हैं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना का मतलब 5 साल के लिए एक योजना बनाई जाएगी। गवर्नमेंट का चुनाव हुआ, 5 साल के लिए एक प्लानिंग बनेगा। इस योजना के तहत हमें क्या करना है, काम करना है। तीव्र आर्थिक, अब इस बात को देखिएगा, यह बड़ा जो है महत्वपूर्ण है। हर एक पंचवर्षीय योजना का एक स्लोगन होता है, उसको हमें याद करना पड़ेगा। पहले हम देखते हैं तीव्र आर्थिक समावेशी एवं धारणी विकास। ठीक है, देखिए, जब हमें इकोनॉमिक्स को समझना पड़ेगा तो हमें अभी वर्तमान, प्राचीन से लेकर के और वर्तमान तक धीरे धीरे चीजों को एक ढांचा बना के पढ़ना पड़ेगा, तभी हम चीजों को सही प्रकार समझ पाएंगे। इसी क्रम में मैं आपको 12वीं पंचवर्षीय योजना बताने जा रहा हूं। पीरियड क्या है, 12 से 17 का, 5 साल हो गया। पहला लाइन देखिए, तीव्र आर्थिक समावेशी एवं धारणी विकास। समावेशी का मतलब होता है सभी के विकास की बात होगी, चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, जाट हो, कोई भी धर्म का हो। समझिएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मछुआरा है या बिजनेसमैन है, किसान है या कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है, सबके विकास की बात हम करेंगे। यह ऐसी योजनाओं पर हम लोग लेके आए, तीव्र आर्थिक समावेशी एवं धारणी विकास। इस शीर्षक के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना ऐसे समय में शुरू हुई जब वैश्विक अर्थव्यवस्था वित्तीय संकट का सामना कर रही थी। इस बात को ध्यान रखिए कि पूरे विश्व में आर्थिक संकट का दौर चल रहा है, लेकिन हम इस योजना को लेकर आए हम। इस पृष्ठभूमि में नीति निर्माताओं के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी कि वह अर्थव्यवस्था को उच्च विकास दर को फिर से कैसे प्राप्त करेंगे। भाई कैसे हम उच्च विकास दर को प्राप्त करेंगे, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। अब देखिए, सबसे पहले देखिए, इसमें ग्रोथ परसेंट की बात की गई है। और आप देखिए, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा यहां पर, लेकिन पहले हम एक बार जो है ये 11वीं जो 11 हमारी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, जरा इनको हम एक बार थोड़ा सा एक नजर देख लेते हैं। तो देखिए, पहली जो है 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, 69 74, इस तरह से आप एक सीक्वेंस देख सकते हैं। इन सीक्वेंस और इस टाइम पीरियड के आधार पर हमने इन 11 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात किया है। 51 से लेके 56 तक,
इसमें हमने लक्ष्य जो है रखा था 2.1 और देखिए वास्तविक हमारे पास कितना है 3.6 या 3.60। तृतीय में देखिए 4.5 है और यहां पर देखिए जो वास्तविक कितनी हमारी रही है 4.21। आप देख सकते हैं कि हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का भी प्रयास किया। तीसरी आप देख सकते हैं इसका टारगेट कितना था 5.6, लेकिन यहां पर देख सकते हैं कि 2. ये थोड़ा कम आया है यहां पर, क्योंकि यहां पर 5.6 है, ये देख सकते हैं 2.72 है। ऐसे चौथी में देखिए 5.7 जो कि 69 से 74 तक है, आप देख सकते हैं कि यह प्रॉपर हमारे पास जो है यहां पर पंचवर्षीय योजनाएं काम करें उनका टाइम पीरियड यहां पर मेंशन भी है। आप देख सकते हैं कि यहां पर इसकी जो है 4.4 और 4.83, इसी तरह छठी में 5.2 5.54, यह आप देख सकते हैं कि यह हमने टारगेट रखा है लगातार और यह हमने अपने टारगेट को हमेशा बढ़ा रखा है। देखिए 2, 4, 5 फिर देखिए यहां पे 4 फिर देखिए 5, 5, 5, 5.6, 6.5, 8 ना, आप यहां पर आप इन चीजों को देखिए जरा ध्यान से, थोड़ा सा हम इसको छोटा करते हैं और हम लोग जो है एक एक करके इसको समझेंगे। तो आप देख सकते हैं हर एक पंचवर्षीय योजना का एक लक्ष्य होता है और एक हमारे पास रियलिटी होती है जिसको हम लोग अचीव करते हैं। अब अगर मान लीजिए हम दसवीं की बात करें, दसवीं हमारा टारगेट कितना है 8.0 का और हमारा देखिए वास्तविक कितना है 8.2। अगर 11वीं की बात करें, नहीं यहां पर दसवीं का है 7.6 और अगर हम 11वीं की बात करें तो आप देख सकते हैं यहां पर 9.0 है और जो हमने प्राप्त किया कितना 8.2, लेकिन इसको संशोधित कर दिया गया था 9.0 को, फिर हमने संशोधित करके 7.8 कर दिया था और हमारा जो वास्तविक था वह कितना था 8.1। तो इस तरह से आप यहां पर आपने देखा कि हर एक पंचवर्षीय योजना का एक लक्ष्य रखा जाता है और उस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगर बात हम कर रहे हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना की, तो हमें एक बार 12वीं पंचवर्षीय योजना को टू द पॉइंट समझना चाहिए। पहली बात, इस बात को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया है कि विकास का उद्देश्य देशवासियों के आर्थिक एवं सामाजिक अवस्था में व्यापक सुधार लाना है। विकास किसके लिए, किसके लिए आप डेवलप करना चाहते हैं? व्यक्ति के लिए। कौन व्यक्ति? जो देश का नागरिक है। वही बात, देशवासियों के आर्थिक और सामाजिक अवस्था में व्यापक सुधार लाना, तथापि जीडीपी में तेज वृद्धि इस उद्देश्य को प्राप्त करने की एक अनिवार्य आवश्यकता भी है। जीडीपी से हम पता कर सकते हैं, ठीक है। इस योजना को दृष्टि पत्र में पंचवर्षीय योजना के दौरान औसत विकास दर जीडीपी 9% पर लाने का लक्ष्य रखा गया है और यह लक्ष्य उस वर्ष के यूरोजोन संकट के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था की संभावनाओं में भारी उलटफेर देखा गया। इस बात को हमें समझना चाहिए। अब देखिए, हमने यहां पर देखा कि हम एक टारगेट रखते हैं, हम यहाँ पर बात करते हैं आर्थिक समावेशी धारणी विकास की बात करते हैं, हम इसके लिए टारगेट रखते हैं, हमारा जीडीपी का टारगेट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा टारगेट यहाँ पर ठीक ठाक है, हम यहाँ पर 9.9% की हम लोग बात करते हैं, हम हर व्यक्ति के जनहित की बात करते हैं इस योजना के अंतर्गत। अब थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा यहीं पर नीति आयोग के बारे में। अब देखिए नीति आयोग को समझिए, देखिए नीति आयोग इसी पीरियड में लाया गया, पंचवर्षीय योजना यह चल रही थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है, 12-17 का पीरियड है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो भारत राष्ट्रीय भारत रूपांतरण संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया NITI, ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय भारत रूपांतरण संस्थान, और इसको हम लोग बोलते हैं NITI, जिसको हम बोलते हैं नीति आयोग, ठीक है। नीति जो शब्द है वह इंग्लिश शब्द है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफरिंग इंडिया, ठीक है, यानी हिंदी में इसको बोल सकते हैं राष्ट्रीय भारत रूपांतरण संस्थान, और इसको इंग्लिश टर्म बना फुल फॉर्म NITI, इसको बोलते हैं नीति और हिंदी में बोलते हैं नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना एक सरकारी संकल्प द्वारा, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को की गई, इस बात को ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 2015 को हमने इस पर कहा कि भाई एक हमारी यह योजना होनी चाहिए जिसको हम नीति आयोग कहें, और 15 मार्च ठीक है 1950 को एक संकल्प द्वारा स्थापित योजना आयोग का स्थान ले लिया। आप देख सकते हैं 1950 की बात है, 15 मार्च 1950 को जो हमारे पास योजना आयोग की हम लोग बात कर रहे थे, उस योजना आयोग का स्थान किसने लिया? नीति आयोग ने लिया। और देखिएगा, नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत का
परिपालन करते हुए भारत सरकार को नीतिगत मुद्दों पर सलाह देने हेतु एक थिंक टैंक की भांति कार्य करेगा। यह अपने पूर्ववर्ती योजना आयोग की तुलना में अधिक समावेशी संस्था होगा। यानी आप समझ सकते हैं, अगर योजना आयोग की जगह पर रिप्लेस करके एक संस्था बनाया गया नीति आयोग, तो निश्चित रूप से इसमें कुछ गुणात्मक परिवर्तन किए गए होंगे। हमें समझना चाहिए कि किस तरह से नीति आयोग योजना आयोग को सुपरसीड करेगा, किस तरह से यह बेहतर अर्थव्यवस्था को जन्म देगा। आइए देखते हैं। 1 जनवरी 2015 के संकल्प के साथ इसे 16 फरवरी 2015 को संशोधन द्वारा निम्नलिखित रूप में नीति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। यानी हमने इस बात को प्रस्तावित किया था 1 जनवरी 2015 को, लेकिन जल्दी ही मतलब 16 फरवरी 2015 के संशोधन द्वारा हमने क्या किया, इसे हमने इस व्यवस्था को मान लिया। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे, ऐसा पहले योजना आयोग में भी था। इसके शासी परिषद में सभी राज्यों एवं विधानमंडलों से युक्त संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री तथा अन्य संघ राज्यों के क्षेत्र के लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। देख सकते हैं इसकी जो है इसके मेंबरों की संख्या को किस तरह से यहां पर बढ़ाने की बात की गई है। इसके शासी परिषद में सभी राज्य एवं विधानमंडलों से युक्त संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री तथा अन्य संघ राज्य के क्षेत्र के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और देखिए, एक से अधिक राज्य या क्षेत्र पर प्रभाव डालने वाली विशेष मुद्दों और आकस्मिकताओं की स्थिति में क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाएगा। इसमें एक बात और हमें समझना चाहिए कि हम यहाँ पर क्षेत्रीय परिषद की बात करते हैं, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कहा गया कि हम जहां पर मान लीजिए एक स्टेट है, दूसरा स्टेट है, कॉमन मुद्दा है, तो वहां पर हम क्षेत्रीय परिषद की बात करते हैं। अच्छा, ये निर्धारित अवधि के लिए गठित होंगे, इस बात को समझिएगा। प्रधानमंत्री क्षेत्रीय परिषदों के संयोजक होंगे और उस क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर इसके अध्यक्ष भी होंगे। संबंधित क्षेत्रों का ज्ञान रखने वाले दक्ष विशेषज्ञ कार्यरत व्यक्ति विशेष आमंत्रित के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाएंगे। मतलब इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें नामित कौन कर सकता है, तो इसमें जो है प्राइम मिनिस्टर इसको क्या कर सकते हैं, नामित कर सकते हैं। संबंधित क्षेत्र का ध्यान रखने वाले दक्ष विशेषज्ञ कार्यरत व्यक्ति विशेष आमंत्रित के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाएंगे। अब इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, यहां पर एक विशेषज्ञ की बात की गई है। एक विशेषज्ञ को हम यहां पर क्या करेंगे, जो विशेषज्ञ है उसको यहां पर प्रधानमंत्री नामित करेगा। क्योंकि मान लीजिए किसी क्षेत्र की अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, वहां पर विकास नहीं हो पा रहा है, वहां की समस्याओं को नहीं समझ पा रहे हैं, तो वहां पर जो विशेषज्ञ होगा अगर उसके एडवाइजरी को हम लेंगे तो वह ज्यादा क्या हो जाएगा, प्रभावशाली हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहां पर देख सकते हैं, पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचे के में अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के अलावा निम्नलिखित होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और टीम देखिए, टीम बड़ी हो गई। उपाध्यक्ष जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जो इसके सदस्य हैं वो पूर्णकालिक होंगे। और देखिए, अंशकालिक सदस्य जो होंगे वह अग्रणी विश्वविद्यालय शोध संस्थान तथा अन्य संबंध संस्थानों से अधिकतम 2 पदेन सदस्य चुने जाएंगे। जो मैं बात कर रहा था यहाँ पर विशेषज्ञ कहाँ कहाँ से लिए जाएंगे, तो जो अग्रणी विश्वविद्यालय हैं उनके विशेषज्ञों के बारे में, जो शोध संस्थान है वहां से और अन्य समृद्ध संस्थानों से अधिकतम 2 पदेन सदस्य चुने जाएंगे। अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति चक्रीय आधार पर होगी। प्रदेन सदस्य अधिकतम 4 सदस्य जिसका मनोनयन केंद्रीय मंत्री परिषद में से प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री ही करेगा। और इसके इसमें एक चीज और है, आवश्यकता के अनुसार हम इसका सचिवालय बनाएंगे। इस सब मिला जुला करके एक मोटी मोटी बात समझिएगा, हमने इसके ढांचे में, मूलभूत ढांचे में एक विशेष प्रकार से क्या किया, बदलाव किया। आप देखेंगे यहां पर हम विशेषज्ञों को लेकर के आएंगे, यहां पर आपने देखा हम राज्यों के लोगों को यहां पर शामिल करेंगे, आपने देखा कि यहां पर हम किस तरह से यहां पर सचिवों की संख्या को बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि एक जो है इसकी टीम को हम क्या कर रहे हैं, इनकी टीम को हम बड़ा कर रहे हैं। राज्यों के साथ समन्वय सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करने हेतु नीति के गत्यात्मकता और दिशा प्रदान करने में सरकार को थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग सहायक रहेगा। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब आप देखेंगे कि थिंक टैंक, आखिर में विकास करने के लिए कोई ना कोई ऐसा तो होना चाहिए जो हर चीज को लगातार सोचता रहे और उस दिशा में क्या किया जाए, काम किया जाए। तो यह काम कौन करेगा, नीति आयोग काम करेगा। यह सरकार का बहुत बड़ा थिंक टैंकर है, यह विशेषज्ञों की एक बहुत बड़ी टीम बनेगी और जो सही दिशा में क्या करेगी, विकास को लेके जाएगी। देखिए, इसके अलावा अभी हम बात करेंगे, अटल नवाचार मिशन है जिस पर हम बात करेंगे, डिजिटल भुगतान आंदोलन पर बात करेंगे, द्वीपों के समग्र विकास की बात करेंगे,
संघात्मक सहकारी संघवाद की बात करेंगे, कृषक हितैषी सुधार सूचकांक की बात करेंगे, ये सारी चीजों पर हम बात करेंगे, स्वास्थ्य परिषद प्रदर्शन सूचकांक की बात करेंगे, विद्यालय शिक्षा गुणवत्ता जल प्रबंधन सूचकांक, ठीक है, नीति आयोग के क्षेत्रीय उद्देश्य और उपलब्धियां, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ठीक है, और महिला एवं बाल विकास, ठीक है, शासन द्वारा अनुसंधान, मानव संसाधन विकास, शहरी प्रबंधन, ग्रामीण विकास, इन सारे मुद्दों पर अभी हम क्या करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। लेकिन बच्चों यह वीडियो काफी लंबी हो गई, लगभग एक घंटे से भी ज्यादा की वीडियो हो गई, तो अपनी बातों को हम लोग क्या करते हैं अभी यहीं पर रोकते हैं, और अगली वीडियो में फिर हम नीति आयोग से चीजों को क्या करेंगे, फिर आगे लेकर के चलेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी बातें मैंने आपको बताई, निश्चित रूप से एक एक चीज बड़े आराम से बताया जा रहा है, टू द पॉइंट बताया जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है, और अब यह क्या होगा कि यह रेगुलर एक क्लास है जिसका आनंद आप लीजिए, और आप अच्छी तरह से पढ़ें, एक इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, अर्थव्यवस्था को समझें, विकास को समझें, डेवलपमेंट को समझें, और इन्हीं शब्दों के साथ हम जो है अपने शब्दों को विराम देते हैं, मिलते हैं बच्चों फिर अगले वीडियो में, फिर हम आगे की बात करेंगे। धन्यवाद बच्चों।